हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बिना किसी टीचर के और बिना किसी लैंग्वेज सेंटर के आप इम्प्रूव कर सकते हो। नॉर्मली अगर आपके पास टाइम नहीं है किसी लैंग्वेज सेंटर में जाने का या किसी टीचर से ऑनलाइन क्लास लेने का, तो एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। और वो आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, ट्रैवलिंग करते हुए कहीं पर भी इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस टेक्निक पे अप्लाई करने के लिए, इस टेक्निक से अच्छा रिजल्ट अप्लाई करने लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, आपको जो है वो ये काम रोज़ाना करना पड़ेगा, परसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा, प्रॉपर कमिटमेंट के साथ करना पड़ेगा। वरना आपको अपना दरकार रिजल्ट नहीं मिलेगा, वरना आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो टेक्निक ये है कि आपने इंग्लिश के सेंटेंसेस को दिमाग में बनाना है। स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस इन योर हेड, राइट? सो आप कहीं पे भी बैठे हुए हो, या आप गाड़ी चला रहे हो, या फ्री ऑफिस में बैठे हुए हो, या घर पे बैठे हुए हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फेसबुक और इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, आप बस दिमाग में सेंटेंस मेकिंग करो। जैसे कि आप सुबह कब उठते हो, या आप ऑफिस किस टाइम जाते हो, आपको खाने में क्या पसंद है, या आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, इन सब चीज़ों के बारे में छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेज अपने ब्रेन में बनाओ। इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में ये होगा कि जब आप इंग्लिश में बात कर रहे होगे तो आपको आपकी फ्लुएंसी डिस्टर्ब नहीं होगी, आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ब्रेन जो होगा वो पहले ही से सेंटेंस मेकिंग की हैबिट बना चुका है। तो जब आप इंग्लिश में बात करोगे तो आपका ब्रेन जल्दी से इंग्लिश में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेगा, वर्ड्स को सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेगा, और आपका सेंटेंस बीच में ब्रेक नहीं होगा, और आपको कॉन्फिडेंस का भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि आप हैबिचुअल होगे इंग्लिश में सेंटेंस मेकिंग करने की। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि इंग्लिश में सेंटेंस बनाना स्टार्ट करने, और फिर दूसरा काम ये करना है कि आप टेंसेस पे शिफ्ट कर जाओ। जैसे कि आज आप प्रैक्टिस करोगे, आज मैंने प्रेजेंट टेंस पे प्रैक्टिस करनी है, तो सारे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के बनाओ। नेक्स्ट डे प्रैक्टिस सोचो कि आज मैंने पास्ट टेंस पे प्रैक्टिस करनी है, फिर सारे सेंटेंस पास्ट टेंस पे बनाओ। सेकेंड फॉर्म का यूज़ करो, हैड का यूज़ करो, राइट, वॉज एंड वर्ड का यूज़ करो। फिर नेक्स्ट डे सोचो कि आज मैंने विल की प्रैक्टिस करनी है, और फिर फोर्थ डे आप ये सोचो कि यार आज मैं सबों को मर्ज करके जो है वो सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, फिर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबों को मर्ज करके सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। ये एक बहुत ही निंजा टेक्निक है जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकती है। अगर आप इस टेक्निक को कमिटमेंट के साथ रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव हो सकती है। सो आई रियली होप कि ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी। इसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में, और लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।